has been living in a relief camp filed a police case. In the latest case, a 37-year-old married woman from Manipur's Churachandpur district has alleged she was caught by a group of men while she was fleeing from her burning house with her two sons, niece and sister-in-law, and was allegedly gang-raped on May 3rd, the day... हो रहा है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, घर उजड़ गया, उनकी आंख लग गई है। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, मणिपुर में मैं हेल्प करने के लिए अपनी टीम को भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। मदद करने से कभी हमारा जीवन घटता नहीं है, तो मदद करें। और जो लोग मदद कर रहे हैं परमेश्वर के नाम से, जिस तरह मणिपुर में हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत लगेगी हम आगे आएंगे। एक प्रभु के नाम से हम लोग एक कम्युनिटी हैं, और आज अगर हम मिलके एक रुपये से भी अगर हम 10 रुपये या दसवांश या गिफ्ट जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक और एक आपको मेंशन कर दिया है, आप अपने तरफ से जो योगदान दे सकते हो दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि देने से कभी कम नहीं होता। और एक खासकर मणिपुर में कितने लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, मैं कह रहा हूँ ये मैसेज है मणिपुर वालों के लिए भी। मणिपुर में मेरी टीम जाएगी और हेल्प करके आएगी। जो लोग बीज बोना चाहते हैं हम वहाँ पर खाने का हर चीज़ का प्रोवाइड करेंगे। जो भी उनको हेल्प चाहिए, कपड़े, घर के सामान, जो भी, वो हमारे फोन नंबर पर फ़ोन करें। और जो हमारी सहायता करना चाहते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो बीज गोइंग प्रेयर लाइन नंबर पर। परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने सिर पे हाथ रखें सब। किसी समय परमेश्वर तेरा वचन, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए, और इसी समय गुड न्यूज को लेकर आए। पवित्र आत्मा जी, जो लोग आज बीज बो रहे हैं इनके घर में पवित्र आत्मा जी बड़ी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सच में पवित्र आत्मा जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना पिता पवित्र आत्मा जी आशीष लेना चाहते हैं, तेरे वचन का कलाम जब खुले, तेरा दिल खुले, तेरी मुट्ठी खुले, तेरा आकाश खुले और स्वर्ग खुलकर दिल खोल कर इन्हें आशीष दे आदि यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, जिन्होंने मिस्री में बीज बोए, जो समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से, देहरादून से, क्या राजस्थान से, कर्नाटका से, यूपी से, बिहार से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना कर रहा हूँ, पंजाब से, दिल्ली से, मेरे पिता हर ब्रांच से, जो ऑनलाइन में बीज बो रहे हैं पवित्र आत्मा इस मिस्री में, मेरे पिता पाकिस्तान से, नेपाल से, क्या परमेश्वर जिन्होंने बीज बोया है पवित्र आत्मा जी इन लोगों के घरों में आशीष है। जो गुजरात से, अहमदाबाद से देख रहे हैं, जो पुणे से, महाराष्ट्र से देख रहे हैं पवित्र आत्मा, संडे के दिन इनका बीज बलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। जाओ एंजल, मैं रिलीज करता हूँ तुम्हें यीशु मसीह के नाम। आमीन। उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने अपने हाथों से स्कैन किया आज, उन लोगों के हाथों को पकड़ो आज। मणिपुर में सताव के साथ दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और अनधन जल हर एक चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए उन्हें दुख उठाना पड़ रहा है। हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब होना है, ये बाइबल में लिखा है, ये हमको भी पता है कि आने वाले टाइम में हमारे साथ भी होना है, पर आज हमें जागरूक होने का और हमारी आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। हम सोचते रहते हैं, हम वचन में चलते हैं, वचन को मानते हैं, पर आज हमें शैतान को ललकारना पड़ेगा। और किस तरह से हम ललकार सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें अपने जीवन में जो हमने बंधन बांध रखे हैं वो तोड़ने पड़ेंगे। हमें परमेश्वर ने समझ भी दिए, बल भी दिया है और बुद्धि भी दी है, पर न्याय करने का हक श्री परमेश्वर को है। हमें सताव सहना है, ये परमेश्वर का वचन है कि तू चुप रहे और मैं तेरे लिए रक्षा करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा। पर परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि हमें दूसरों की रक्षा करनी है, हमें हमारे भाइयों को बचाना है, हमें जो मौत के द्वार पे खड़ा है उसे परमेश्वर के करीब लाना है। क्योंकि आज वो इस स्थिति में क्यों बने, सबसे बड़ा वाय वो है, क्योंकि वो स्थिति में क्यों आए, आज वो सताव क्यों हो पा रहा है, परमेश्वर की प्रार्थना उनके लिए काम क्यों नहीं कर पा रही, क्यों वो लोग आज बचाए नहीं जा रहे, क्यों बच नहीं पा रहे। क्योंकि जिस तरह से आटे के अंदर नमक घोल दिया जाता है, जिस तरह से एक खेत के अंदर जंगली पौधे उग जाते हैं और वो एक ऐसी फसल को पैदा कर देते हैं जो फसल पूरे खेत को ख़राब कर देती है,
परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके दास और दासी, उसके बच्चे कहलाते हैं। तो हमें अब आगे होके आना होगा। जिस तरह से आपने देखा है प्रोफिट विजेंद्र जी को, आज कोई नॉर्मल बात नहीं है मेरे भाई बहनों। उनने पूरे पंजाब में और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में प्रभु का नाम ऊंचा किया है। नरोला जी ने आज देख सकते हो आप कितनी बड़ी चर्च और हर एक चीज़ की व्यवस्था प्रभु के नाम से हमारे लिए की, क्योंकि हम सुरक्षित रहे और आज हमारे लिए हुकार भी लगाते हैं और हमें सलाह भी देते हैं और हमारे लिए दुआएं भी करते हैं। तो ये सब वो एक व्यक्ति कर सकता है जो प्रभु ने उन्हें चुना, और वो ताकत आपके अंदर भी है। जब हम एक होके 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1,00,000 हो सकते हैं और अनगिनत हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो ताकत दी है। पर वो जान गए हैं उनकी ताकत को, प्रॉफिट जी, नरोला जी और जितने आज पास्टर हैं, वो अपनी ताकत को जान गए क्योंकि प्रभु ने उन्हें सेवा करने का अवसर दिया है, आपको भी दिया है। आप तन मन धन से सेवा करें, प्रभु आपको 4 गुना देने वाला है। और उदाहरण खुद प्रॉफिट जी, खुद नरोला जी हैं। आज आप देखो कि हिंदुस्तान में मसीहों को अंग्रेज़ों के साथ संबोधित किया जाता है, मसीहों को एक अलग ही जाति ठहराना चाहते हैं, वो इंसानियत को छोड़ उन्हें मारना काटना चाहते हैं। उन भाइयों के साथ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके आगे कोई आना नहीं चाहता है। आज हमारी माँ बहनों के साथ बुरा हो तो हमें चुप नहीं बैठना है, हमें कानूनी तरह से और हमारे बल से जो हम कर सकते हैं, हमारी समझ से जो प्रभु ने हमें दिए उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो आगे आएँ और हिम्मत रखें, क्योंकि ये दस्तक जो आज उस शहर में उस जगह पे हो रही है, कल हमारे घर पे भी होगी। तो तैयार हो जाएं और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मनुष्य से ना डर। क्यों बोलता है प्रभु? आत्मविश्वास से भर जा। प्रभु वचन में क्यों कहता है कि तू सिर्फ मेरा भय खा, इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब हम आगे आएंगे तो हमारे भाइयों की हिम्मत बढ़ेगी। आप सोशल मीडिया के द्वारा आएँ, आप चाहे तो अपने मसीह भाइयों के द्वारा आएँ, आप मदद करें, आप उन लोगों को उठाएं जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं। जानने वाले को तो प्रभु जानता है, परंतु जिनको नहीं मालूम कि प्रभु कैसा न्याय करता है, उनको हमें लाना पड़ेगा प्रभु के जीवन में। तो हिम्मत जुटा लो और प्रभु के काम से भिड़ जाओ और प्रभु के नाम से सेवा करो, मदद करो, दान दो, दशमांश दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपलब्धि, अपनी मौजूदगी दो प्रभु के नाम से। मेरा मैसेज अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आमीन।